इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वही दूसरी तरफ देविल गैंग का लीडर को अपने आदमियों को पकड़े जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिससे वो एकदम शांत था। आने वाले खतरे से अनजान वो इस वक्त अपने काम में बिजी था, जिससे वो मित्तल परिवार को बर्बाद कर सके, पर वो इस बात से अनजान था वो जिसे बर्बाद करने की चला था उसे बर्बाद करते करते कहीं खुद भी बर्बाद ना हो जाए। उसे इस बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं थी कि पिछले 4 साल से उसके नाक में दम करने वाली क्वीन कोई और नहीं बल्कि मित्तल खानदान की ही प्रिंसेस है। अगर उसको इस बारे में पता होता तो वो मित्तल परिवार में घुसने की गलती अपने सपने में भी नहीं करता। देविल गैंग का लीडर इस वक्त सूट बूट पहने हुए मित्तल कॉरपोरेशन के बाहर खड़ा होकर अपनी सामने की आसमान को छू रही बिल्डिंग को देख रहा था। उसे देखकर वो एक डेविल स्माइल करता है और अपनी कार से निकलकर अपने असिस्टेंट के साथ मित्तल कॉरपोरेशन में एंटर करता है, जो कि अब एएम के नाम से जानी जाती थी। पर डेविल गैंग के लीडर को अच्छे से पता था कि ये मित्तल कॉरपोरेशन ही है, बस नाम बदल गया है, बाकी कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। अब आगे देविल गैंग का लीडर अपनी कार से उतरकर अपने सामने की आसमान को छू रही ऊंची दीवार को देखता है, जिसे देख कर उसके चेहरे पर एक देविल स्माइल आ जाती है। वो खुद से ही कहता है, राशि देखो मैं कहां पर हूं, मैं जानता हूं तुम इस वक्त जिंदा हो और मुझसे छुपकर बैठी हो, पर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा तुमको, लेकिन अभी तुमको बिल में से बाहर निकलने के लिए मुझे तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचान पड़ेगा और एसी की तरफ आज मैं अपना पहला कदम बढ़ा रहा हूँ। इतना कहकर वो शख्स जो कि देविल गैंग का लीडर और अनाया के मॉम का किडनैपर, वो अपने चेहरा एक्सप्रेशनलेस करके एएम कॉरपोरेशन में एंटर करता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट और सेक्रेटरी भी था। तीनों ही गेट पर सिक्योरिटी चेक इन करके बेटी जी एरिया में जाके वेट करने लगते हैं। तीनों ही टाइम से 1 घंटा पहले आ गए थे। वही दूसरी तरफ अनाया जो किसी काम से कंपनी जाने के लिए व्हाइट मेंशन से निकल चुकी थी, इस वक्त उसके साथ नितिन और रमेश दोनों ही थे, जो कि उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। उन्हीं के साथ आज उसके साथ मारिया भी उसकी असिस्टेंट बनकर जा रही थी। चारों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे उनको पहचान पाना मुश्किल था। अनाया के कार के पीछे और आगे 5-5 कार चल रही थी। अनाया जिस कार में थी उस कार को नितिन चला रहा था। उसके पास पैसेंजर सीट पर रमेश बैठा हुआ था। अनाया पीछे वाली सीट पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। उसके पास ही बैठी मारिया एक नजर अनाया को देखती है, जो कि अपने फोन में बिजी है, तो वो अपना मुंह बनाकर कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। कुछ ही समय में अनाया के कारों का काफिला एम कॉरपोरेशन के आगे आकर रुकता है। सारी कार रुकने के बाद पीछे और आगे वाली कार से बॉडीगार्ड निकलकर अनाया के कार को घेर लेते हैं। रमेश कार से उतरकर अनाया की तरफ का गेट ओपन करता है। अनाया किसी रानी की तरह कार से उतरकर आगे बढ़ती है। उसी के साथ उसकी असिस्टेंट बन कर आती हुई मारिया और उसके दो पर्सनल बॉडीगार्ड नितिन और रमेश उसके पीछे चलते हैं। उनको पीछे से 4 बॉडीगार्ड और आगे से 4 बॉडीगार्ड कवर करे हुए थे, जिस अनाया का चेहरा तो पहले से ही मास्क लगाने के कारण देखन मुश्किल था, और अभी बॉडी फर्द के कवर करने पर किसी को भी कौन कंपनी में आया है ये देखना मुश्किल था। पर कंपनी के ज्यादातर लोगों को पता था, जब भी उनके बॉस की बेटी है जो कि उस कंपनी की 60% की शेयर होल्डर है, पर कोई भी किसी भी बारे में गॉसिप नहीं करता, सब अपने अपने काम में बिजी थे। किसी ने भी उस वक्त इतने सारे गार्ड लेकर कंपनी कौन आया है ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनमें से किसी को भी अपनी इतनी अच्छी जॉब से हाथ नहीं धोने थे। वही अनाया सीधा कंपनी में एंटर कर सीईओ की पर्सनल लिफ्ट से होते हुए अपने डैड के फ्लो पर चली जाती है। डैड के फ्लो पर पहुंचने पर वो लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने डैड के केबिन के अंदर एंटर होती है, जहां पर उसके डैड उसका ही इंतजार कर रहे थे। मारिया अनाया के अपने डैड के केबिन में जाने के बाद वहां से उसी फ्लो पर बने हुए अनाया के केबिन में चली जाती है, जहां पर अनाया यह आने पर अपना काम करती थी। वही अनाया के गार्ड उस पूरे फ्लो को घेर लेते हैं।
नितिन और रमेश इस वक्त अनाया के डैड के केबिन के बाहर खड़े थे। अनाया अपने डैड के सेबिन में एंटर कर सीधा अपने डैड के आगे वाली चेयर पर जाके बैठ जाती है और अपनी डैड की तरफ देखती है को कि किसी सोच में गुम थे। उनको उसके सेबिन में आने का भी पता नहीं चला। अपने डैड को किसी सोच में गुम देखकर अनाया उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपना गला साफ करने की एक्टिंग करती है, जिस उसके डैड का ध्यान उसकी तरफ जाता है। हर्षवर्धन जी अपनी सोच से बाहर आकर अपने सामने बैठी अपनी बेटी को देखते हैं, जिन्हें उन्हीं ने ये पर बुलाया था। उसी का वेट करते करते वो अपने सामने पड़ी फाइल को पढ़ रहे थे, तभी उस फाइल पर लाइक हुए नाम को पढ़कर उन्हें किसी की याद आ गई थी, उसके बारे में ही वो सोच रहे थे। अनाया को पाने सामने बैठे देखकर वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, आप कब आई प्रिंसेस? अनाया अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है, डैड अभी आई हूँ, आप किस सोच में गुम थे कि आपको मेरे आने का भी पता नहीं चला? कोई परेशानी है क्या डैड? है तो मुझे बताओ, आप ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। अपनी बेटी को अपनी चिंता करते देख हर्षवर्धन जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनु आप चिंता मत कर, मैं एकदम ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। वैसे भी इस कंपनी को तो आप ही संभाल रही हो, मैं तो बस ये पर बैठा हूँ, ज्यादा काम तो आप ही कर रही हो और अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ, डोंट वरी। वैसे मैंने तुमको बताया था न, एक कंपनी है जो कि पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में काफी ग्रो कर रही थी, उनने हमें प्रपोजल भेजा था और आज वो यहाँ पर मीटिंग करने आने वाले हैं। उसी फाइल को देख रहा था, उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के ओनर का नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, बस इसीलिए और कुछ नहीं। अनाया अपने डैड की बात ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है, डैड आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, वैसे आपने मुझे ये पर क्या बुलाया, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या डैड? हर्षवर्धन जी अपनी बेटी की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हैं और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस से कहते हैं, प्रिंसेस मुझे ऐसा लागत है कोई है जो कंपनी पर नजर रख रहा है, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की पर कोई रिजल्ट नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ही उस इंसान का पता लगा सकती हो और वैसे भी आपको पता है घर में हम इस बारे में नहीं बात कर सकते, अगर किसी को पता चला गया तो खमखा सब परेशान हो जाएंगे। अपनी डैड की बातें सुनकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अनाया अपने डैड से कहती है, डोंट वरी डैड, मैं पता लगा लूंगी, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी, वैसे आपके सेक्रेटरी ने बताया आपकी अभी एक मीटिंग है। हर्षवर्धन जी अपना सरहा में हिलाकर कहते हैं, हाँ प्रिंसेस अभी बस 10 मिनट बाद ही है, वैसे अब आप घर जाने वाली हो या अपने केबिन में? अनाया कहती है, डैड घर नहीं जाने वाली, केबिन में ही हूँ, आपको तो पता ही है शाम को मूवी जाने का प्लान है, तो अब घर जाकर क्या करूंगी, आप जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो, मैं तो चली अपनी केबिन में। इतना कहकर अनाया वहां से अपनी केबिन की तरफ चली जाती है। हर्षवर्धन जी उसके जाने के बाद 10 मिनट के बाद मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहां पर दूसरी पार्टी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अनाया अपने केबिन में चली जाती है, उसके साथ ही नितिन और रमेश भी उसके साथ केबिन में एंटर करते हैं, जहां पर मारिया पहले से ही उन सब का इंतजार कर रही थी। अनाया सीधा जाके अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपना लैपटॉप ओपन करके उसमें कुछ करने लगती है। साथ में वो मारिया को एएम कॉर्पोरेशन के सारे कैमरे चेक करने को कहती है और उसे कुछ गड़बड़ लगे तो बताने को, और रमेश और नितिन को सिक्योरिटी चेक करने को कहती है, कोई संदिग्ध लगे तो उस उठने को कहती है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अनाया इस वक्त अपने लैपटॉप और ऑस्ट्रेलिया में जो भी ने कंपनी या जो कोई भी 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एंटर किया है उसके बारे में पता लगा रही थी। वही दूसरी तरफ सातों समंदर पार इंडिया में सुरभि और पार्थ उस दिन की उन दोनों की इंटीमेसी के कारण बेहद ही अरब आ गए थे। आए दिन दोनों जहां जाते वही साथ में ही घूमते थे।
वही विक्रांत राजावत और जॉन अभी भी मित्तल परिवार को ढूंढ रहे थे, साथ में अपना कारोबार भी बढ़ा रहे थे। साथ में उन लोगों ने अंडरवर्ल्ड में भी अपना बड़ा नाम बनाया था। महेश मेहरा इस वक्त इंडिया में नहीं था, वो किसी इम्पोर्टेंट काम से इराक गया हुआ था। जॉन और विक्रम राजावत ने अपने से गद्दारी करने वाले गद्दार को पकड़ लिया था और उसे इस दुनिया से रुखसत भी कर दिया था, पर अब भी उनके नाक के नीचे से कोई ऐसा था जो कि उनके हर एक प्लान का नाकाम कर रहा था, जिसे दोनों हमेशा है गर्म हो रहते थे। कल विक्रांत राजावत को बेटी आरुषि राजावत का जन्मदिन था, जिस वजह से उसने एक 5-स्टार होटल में एक बड़ी शी पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। पिछले 3 साल में विक्रांत राजावत ने अपनी कंपनी राजावत एंटरप्राइज को बेहद बड़ा कर दिया था। अब उसकी कंपनी टॉप 10 कंपनी में से एक थी और कल अपनी बेटी आरुषि राजावत के बर्थडे पार्टी में ही विक्रांत को एक बेहद बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। हेवन फार्म हाउस। सुरभि और पार्थ दोनों ही इस वक्त नेहा के बॉयफ्रेंड विनय के फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। आज सुरभि को एक बेहद ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिस वजह से वो आज बेहद खुश थी। सुरभि एक सिंगर के साथ एक मॉडल भी थी, जो कि ज्यादा फेमस नहीं थी, पर इन कुछ ही दिनों में पार्थ के साथ रिश्ते में आने के बाद उसे काफी लोग जानने लगे थे। दोनों ही साथ में ही एक पार्टी में कपल एंट्री करते थे। पार्थ के ही बदौलत आज उसको एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला था, जो कि उसको रातों रात मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करके देने वाला था। सुरभि पार्टी एंजॉय कर ही रही थी कि तभी सुरभि के फोन पर किसी का कॉल आया। फोन पर शो हुए नंबर को देखकर सुरभि उन सब से दूर आकर कॉल रिसीव करके बात करने लगती है। दूसरी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया जिसे सुनकर सुरभि के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, साथ में शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। AM कॉरपोरेशन मीटिंग रूम। हर्षवर्धन जी जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही उनकी नजर मीटिंग रूम में मौजूद शख्स पर पड़ जाती है, जो कि इस वक्त अपने असिस्टेंट से कुछ बातें कर रहा था। पर जैसे ही मीटिंग रूम के ओपन होने की आवाज आई और उसमें से मिस्टर हर्षवर्धन मित्तल को अपने सामने देखा, तो उसके चेहरे पर शोक एक्सप्रेशन थे, जो कि सिर्फ ऊपर से थे, पर अंदर से वो अपने सामने खड़े मिस्टर हर्षवर्धन मित्तल को ऐसे देख रहा था जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने है, और ये सही भी है। हर्षवर्धन जी अपने असिस्टेंट के आवाज से अपने होश में आते हैं, जो कि उनसे सामने बैठे इंसान से इंट्रोड्यूज केरवा रहा था। हर्षवर्धन जी का असिस्टेंट वरुण कहता है, बॉस ये KR इंटरप्राइज के CEO कुलदीप राणावत है और ये उनका असिस्टेंट धीरज है। कुलदीप राणावत अपने सेट से खड़ा होकर हर्षवर्धन से हाथ मिलता है। हर्षवर्धन जी भी उससे हाथ मिलकर अपने सीट पर बैठ जाता है। हर्षवर्धन जी ज्यादा बातें न करते हुए उनकी प्रेजेंटेशन शुरू करने को कहते हैं। कुलदीप अपने असिस्टेंट धीरज को इशारा करता है, तो धीरज अपने बॉस का इशारा समझकर प्रेजेंटेशन देने लगता है। कुछ ही वक्त बाद हर्षवर्धन जी KR कॉरपोरेशन के साथ प्रोजेक्ट साइन कर चुके थे और अभी कुलदीप राणावत और हर्षवर्धन मित्तल अपने केबिन में बैठकर बातें कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बारिशों से बिछड़े हुए यार मिल गए हो। हर्षवर्धन जी कुलदीप की तरफ देखकर कहते हैं, 20 साल, पूरे 20 साल हुए हमें एक दूसरे से मिले हुए। कुलदीप, कॉलेज के बाद हमारा मिलना ही नहीं हुआ, कैसे हो तुम और बता क्या चल रहा है। हर्षवर्धन जी की बात पर कुलदीप हंसते हुए कहता है, जैसा भी हुआ तुम्हारे सामने हूँ, तुम खुद देख सकते हो, फिट एंड फाइन हूँ। और यार कॉलेज पूरा हो जाने के बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ, मैं अपने शहर चला गया, फिर फैमिली बिजनेस में लग गया, किसी से मिलने हा नहीं हुआ। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, राशि कैसी है और तुम दोनों के बच्चे। हर्षवर्धन मित्तल कुलदीप के मुंह से राशि का जिक्र होने पर उनकी आंखें नम हो गई थी, पर वो जल्द ही अपने
इमोशन को कंट्रोल कर कुलदीप से कहते हैं, राशि अब हमारे बीच नहीं रही, 18 साल पहले ही प्रिंसेस और आयुष को जन्म देने के बाद वो मुझे और मेरी प्रिंसेस और आयुष को छोड़कर चली गई। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। कुलदीप जो कि राशि का जिक्र करके हर्षवर्धन मित्तल से राशि के बारे में पता लगाना चाहता था, पर हर्षवर्धन के चेहरे से और उसके कहने से साफ पता चला रहा था कि उसको राशि के जिंदा होने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिससे वो राहत की सांस लेता है। कुलदीप हर्षवर्धन को सांत्वना देते हुए कहता है, हर्षवर्धन आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था इस बारे में। वैसे बच्चे कैसे हैं? हर्षवर्धन जी कहते हैं, वो दोनों ठीक है। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? कुलदीप कहता है, मासा बबाशा बीबी बच्चे सब है। वैसे तुमको पता है मुझे पहले से ही एक बेटी की चाह थी, पर देखो ना मुझे दोनों ही लड़के हुए। उसकी बात और हर्षवर्धन जी कुलदीप की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए कहते हैं, बेटी नसीब वालों को ही मिलती है, तुम मेरे जितने नसीबवान नहीं हो। इतना कहकर वो एक प्राउड मुस्कान के साथ कुलदीप के तरफ देखते हैं। हर्षवर्धन जी के खुद को नसीबवान कहने से कुलदीप अंदर से हर्षवर्धन जी पर जल रहा था। वो खुद से ही कहता है, सच कहा हर्षवर्धन, रूम बेहद नसीब वाले हो, तुमको राशि जो मिल गई थी। कुलदीप को किसी सोच में गुम देखकर हर्षवर्धन जी उसको हिलाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ कुलदीप, तुम कहाँ खो गए? उसकी बात पर कुलदीप नामे अपना हिलाता है और दोनों कुछ देर ऐसी ही बातें करते हैं। उसके बाद कुलदीप किसी काम के वजह से हर्षवर्धन मित्तल से विदा लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन जी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं एएम कॉरपोरेशन से बाहर निकलने के बाद कुलदीप सीधा वहां से अपने सीक्रेट आड़े पर चला जाता है। आज फिर उसके काम में कोई दिक्कत आती थी, वही अनाया जो काफी देर से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वेबसाइट जिसमें दूसरे देश से ऑस्ट्रेलिया में आने वाली की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती थी, उसे हैक करके उसमें अपने काम की चीज ढूंढ रही थी और उसे वो मिल भी गई थी। इस वक्त उसके सामने लगभग 100 संदिग्ध लोगों की लिस्ट थी। वो इन सारी लोगों के नाम और इस वक्त कहां पर है या कर रहे हैं सारी लिस्ट निकल कर अपने सबसे खास आदमी को मेल कर देती है, जो कि सबसे छुप कर उसके लिए का करता था। एक बार के लिए अनाया की सिक्योरिटी में कोई कमी हो सकती है, पर इससे नहीं। वही रमेश और नितिन भी अब तक उसके केबिन में आ चुके थे। उन दोनों ने उसको सारी सिक्योरिटी चेक इन की रिपोर्ट दे दी थी, जिस कोई भी गड़बड़ नहीं थी और उन दोनों ने अनाया के कहे अनुसार एएम कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी पहले से कहीं गुना बढ़ा दी थी। वही मायरा ने भी सारी फुटेज चेक की थी, उसमें उसको कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। अनाया उन तीनों के रिपोर्ट सुनने के बाद उन तीनों को ही कंपनी के हर एक कोने में सीक्रेट कमरे लगाने को कहती है, जिसके बारे में उन फोर लोगों में से किसी को भी पता न हो। उसकी बात सुनकर तीनों ही अपना सर हिला देते हैं। अनाया जब अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो 5 बज चुके थे, तो वो अपने डैड को मैसेज कर ऑफिस से निकल जाती है। उसने अपने भाई को बता दिया था कि वो सीधा मूवी थिएटर में आ जाएगी, तो वो और उसके साथ मायरा और उसके दो बॉडीगार्ड नितिन और रमेश A2 मूवी थिएटर की तरफ चले जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 मूवी थिएटर था, जिसकी ओनर खुद अनाया थी, जिसके पास 50% शेयर थे और 50% अयान के नाम पर थे। वही दूसरी तरफ सुरभि, जिसे अपने खास आदमी का कॉल आया था और उसने कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई थी, इसलिए वो अपनी पार्टी आधी छोड़कर कुछ इम्पोर्टेंट काम कहकर वहां से चली गई थी। सुरभि इस वक्त मुंबई के बाहर कुछ ही दूरी पर एक सुनसान एरिया पर एक एंड पड़ी फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। उस फैक्ट्री के 10 किलोमीटर तक कोई भी नहीं दिखा रहा था, वहां किसी की चहल कदम नहीं थी। वो फैक्ट्री पिछले 30 साल से बंद पड़ी हुई थी। सुरभि उस वक्त जहां पर खड़ी थी वहां पर शमशान भूमि जितना सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरभि अपनी कार से निकलकर बिना डरे उस फैक्ट्री में एंटर करती है। फैक्ट्री में एंटर करते ही एक गंदी सी बदबू आती है, जो कि फैक्ट्री के इतने साल से बंद होने के कारण आ रही थी। उस बदबू के कारण सुरभि अपने
चेहरे पर मास्क लगती है और उस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। फैक्ट्री के अंदर थोड़ा चलने के बाद उसके आगे एक डोर दिखाई देता है, उसे ओपन करके वो उसके अंदर एंटर करते ही वो डोर फिर से बंद हो जाता है, जिस सुरभि एक पल के लिए डर ही जाती है। इस कमरे में पूरा अंधेरा था। सुरभि उस अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपने एक हाथ से उसके कमर को कसकर पकड़कर दूसरे हाथ उसके बालों को नीचे रखकर उसके चेहरे को अपने करीब करके उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसके होठों को सक करने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हो गया था कि सुरभि को समझ में ही नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसे अपने होठों और किसी के होठ महसूस होते हैं तो वो समझ जाती है कि ये कौन है। वो उसे खुद से दूर करने की बजाय अपने हाथों का हार बनाकर उसके गले में रखकर उसको किस में साथ देने लगती है। सुरभि का साथ पाकर वो इंसान अपनी किस को एक पैशनेट किस में बदल देता है। इस वक्त उसका एक हाथ जो सुरभि के कमरे पर था वो अब उसके ड्रेस के अंदर से उसके पीठ कमर और साथ में पेट पर चल रहा था। वो आदमी अपनी जीभ को सुरभि के मुंह में एंटर करके उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। साथ में एक हाथ से उसने सुरभि के टॉप की चैन खोल दी थी। कुछ देर सुरभि के होठों को किस और स्मूच करने के बाद वो सख्त सुरभि के होठों को छोड़कर उसके गले पर अपने होंठ फिराने लगता है और सुरभि का ड्रेस उसके कंधे से सरका कर अपने होठों को वहां लेकर किस और बाइट करने लगता है, जिससे सुरभि की सिसकियां निकल रही थी। कुछ ही समय बाद दोनों ही बेड पर थे। सुरभि नीचे और वो शख्स उसके ऊपर था। दोनों के ही कपड़े इस वक्त नीचे बिखरे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे के होठों को पागलों की तरह किस कर रहे थे। उस पूरे कमरे में उन दोनों की सांस लेने की और सुरभि की सिसकियों की आवाज आ रही थी। 3 घंटे बाद एक दूसरे को प्यार करने के बाद थक कर दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए लेते हुए थे। सुरभि उस शख्स के सिने पर अपने हाथ फिरते हुए या से कहती है, क्या तुमको उनके बारे में कुछ पता चल गया है? उसकी बात पर वो आदमी सुरभि के होठों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, बेबी कुछ क्लू मिला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ ही दिनों में हमें उनके एग्जैक्ट ठिकाने के बारे में पता लग जाएगा। उसका बस इतना ही कहना था कि सुरभि के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान खिल गई। वो इस शख्स के सिने पर किस करते हुए कहती है, मुझे पता था बेबी तुम मुझे निराश नहीं करोगे। काश मैंने पहले ही तुमको उनके बारे में ढूंढने को कहा होता तो अब तक मैं उनके बेहद पास होती। उसकी बात सुनकर वो शख्स मुस्कराते हुए कहता है बेबी अब छोड़ो भी उस बारे में बात करना, मेरी तरफ ध्यान दो। वैसे मैंने सुना है तुमको मॉडलिंग का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उसकी बात सुनकर सुरभि उस आदमी के होठों पर लाइट किस करके उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उससे कहती है, हम बेबी अब तुम देखना मैं कैसे दुनिया की नंबर 1 मॉडल बन जाऊंगी। ये प्रोजेक्ट बेहद ही बड़ा है, जिससे मुझे अपने करियर में बेहद ही फायदा होने वाला है। उसकी बात सुनकर और उसके एक्शन से वो शख्स मुस्करा बगैर रहा ना पाया। वो शख्स सुरभि के ऊपर आकर उसके होठों को अपने गिरफ्त में लेके उसके होठों को पैशनेटली किस करने लगता है, जिसमें सुरभि उसका बराबर साथ दे रही थी। वो दोनों फिर एक बार एक दूसरे को प्यार करने में खो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया। अनाया की कार कुछ ही समय में आ थिएटर के सामने आकर रुकती है। अनाया की बॉडीगार्ड की कार इस वक्त उनके साथ मैं नहीं थी। वो सब कुछ ही दूरी पर रहकर छुपकर अनाया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अनाया अपनी कार से निकलकर मारिया के साथ थिएटर के अंदर चली जाती है। नितिन और रमेश पहले सारी सिक्योरिटी चेक करते उसके बाद अनाया के पीछे थिएटर में एंटर करते हैं। मूवी स्टार्ट होने में बस कुछ ही समय था। अनाया सीधा अपने भाइयों के पास चली जाती है। तीनों ही अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। कुछ अपने अपने फोन मैं कुछ कर रहा था। वही आयुष और लव दोनों अभी से अपना पॉपकॉर्न खा रहे थे। आयुष की जब नजर अनाया की तरफ जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी तो वो मुस्कुराकर अमाया को अपने पास बैठने की कहता है। अनाया जाके आयुष के पास बैठ जाती है और उसकी दूसरी तरफ मारिया बैठ जाती है। कुश और लव अपनी गुड़िया को देखकर उससे बातें करने लगते हैं।
कुछ ही समय में मूवी स्टार्ट हो जाती है। अनाया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एक बार अपने तीनों भाइयों को देखती है जो बड़े ही ध्यान से की मूवी देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। यही हाल मारिया की भी था। उन चारों को मूवी देखना बेहद पसंद था। उन सबका ध्यान मूवी देखने में था, जिसे देखकर अनाया उनके पास से उठकर उस मूवी थिएटर के सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठ जाती है। कहां पर काफी अंधेरा था और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहां बैठकर अपने भाइयों को और मारिया को अच्छे तरह से देख सकती थी। अनाया एक नजर उनकी तरफ देखती है, फिर एक बार उस मूवी थिएटर में अपनी नजरें घुमाती है, फिर अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगती है। अनाया ईमेल चेक करने में बिजी थी और कोई था जो एक तक बिना अपनी पलके झपकाए उसे ही निहार रहा था, जो कि उसके कुछ ही दूरी पर बैठा था। अंदर होने के कारण अनाया उस शख्स को देख नहीं पाई। वो शख्स जब देखता है कि अनाया अपने मोबाइल में ही बिजी है, तो कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अगले ही पल वो ऐसा कुछ कर देता है जिस अनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अनाया को मोबाइल में बिजी देखकर वो शख्स अनाया के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और एक झटके में अनाया को अपने गोद में बिठाकर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने सामने लाकर उसके चेहरी जैसे लाल होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों को चूसने लगता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनाया को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। जन उसे समझ आ गया, इस वक्त वो किसी की गोद में है और उसके होठों पर किसी के होठ है और वो उसे किस कर रहा है। ये महसूस होते ही उसका गुस्सा साथ वे आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से उसे अपने आप से दूर करने ही वाली थी कि उसके कान में किसी की सर आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको किस कर रहे शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करती है, जो कि अंधेरे के वजह से उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस शख्स की आवाज से वो पहचान गई थी कि ये कौन है, इसलिए वो अपनी दोनों हाथों से उस शख्स को कस के हक कर लेती है और कहती है, आयु आप कब आए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप आने वाले हो। उसकी बात पर वो शख्स उसको अपनी बाहों में पकड़े हुए उसके पीठ को सहलाते हुए उससे कहता है, अभी कुछ देर पहले ही आया हुआ, जब मेरी बेबी अपने मोबाइल में इतनी बिजी थी कि उसे मेरे आने का भी पता नहीं चला। और रही बात तुमको बताने की, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। इतना कहकर अयान अनाया का चेहरा अपने चेहरे के सामने आकर के उसकी आंखें में देखकर कहता है, तो अब बताओ जान, आपको मेरा सरप्राइज कैसे लगा। उसकी बात और अनाया अयान की आंखें में देखकर कहती है, आयु मुझे आपका सरप्राइज अच्छा लगा, मैं आज बेहद खुश थी। आपको पता है इस 2 दिनों में मैंने आपको कितना मिस किया, आई मिस यू सो मच। उसकी बात पर अयान उसके होठों पर किस करके कहता है, मैंने भी आपको बेहद याद किया जान, आई मिस यू टू। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास ही रहूंगा। उसकी बात पर अनाया उसको टाइट हग कर लेती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में सुकून से बैठे थे। अनाया अयान के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए उससे कहती है, आयु आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया क्या। उसकी बात पर अयान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ बेबी हो गया, एक डील साइन की है। किसके लिए, वो सब यही 1 हफ्ते बाद आकर कम करने वाले हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने खोए थे कि उन दोनों को ही पता नहीं चला कि मूवी कब की खत्म हो चुकी है और सारे लोग भी जा चुके हैं। पूरा थिएटर खाली हो चुका था। उन दोनों के सामने 4 लोग खड़े होकर उन दोनों को ही घूर रहे थे, जब अयान को अलग को कोई उनको घूर रहा है। यो वो अपनी आंखें उस तरफ करके देखता है, तो उसको वहां पर 4 लोग खड़े दिखते, जो कि अपने हाथों में मौजूद पॉपकॉर्न खाते हुए उनकी की तरफ देख रहे थे। उन चारों को देखकर अयान झंझलाकर उनसे कहता है, क्या है तुम चारों ऐसे क्या देख रहे हो। अयान के ऐसे कहने पर अयाना का ध्यान भी उस तरफ जाता है जहां पर उसके तीनों भाई और मारिया थी। वो उनकी तरफ देखकर कहती है, आयु ने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दो। अयाना अब भी अयान की गोद में ही बैठी थी, जिसे देखकर लव कहता है, प्रिंसेस आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती।
आप अपने भाइयों के सामने अयान की गोद में बैठी है। हाँ, माना कि आपकी सगाई पहले ही हो चुकी है, पर आप ऐसा कैसे कर सकती है। इतना कहकर वो अपना मुंह बनाने लगता है। बाकी सारे उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलते हैं। वही आयुष अयान से कहता है, दोस्त आप कब आए लंदन से, और आते ही आप बिना हमसे मिले सीधा एंजल से मिल रहे हो। इतना कहकर वो अपने दोनों गालों को फुलाते हुए उससे कहता है, मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैंने आपको क्या मेरी बहन से शादी करने की परमिशन दी, आप तो मुझे भूल ही गए, इट्स नॉट फेयर। वही अयाना उन सबको इग्नोर करके कहती है, तुम चारों को शर्म नहीं आती क्या, को हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढो। उसकी बात पर उन चारों की आंखें छोटी हो जाती है। उनको अच्छे से समझ आ रहा था अनाया उन चारों को सिंगल होने का टोंट मार रही है, जिससे वो चारों ही अपना मुंह फुला लेते हैं। अपने सामने खड़े इन चार बड़े बच्चे की हरकत देखकर अनाया अपना सर ना में हिलाकर अपने भाइयों और मायरा की तरफ एक नजर देखती है, फिर अयान की तरफ, जो अपने आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसको ही देख रहा है। अनाया उन चारों की तरफ देखकर कहती है, अब बस करो, तुम लोग अपनी नोट की चलो, पास के रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलते, मुझे भूख लगी है। खाने का नाम सुनते ही उन चारों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, और वो अच्छे से जानते थे अनाया उनको किस रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली थी। वहां का खाना तो उन सबका फेवरेट था। वही दूसरी तरफ अयान जैसे ही सुनता है उसकी बेबी को भूख लगी है, तो वो अपनी बेबी का हाथ पकड़े उन चारों को इग्नोर करके थिएटर से बाहर जाने लगता है। उनको ऐसे जाते देख वो चारों भी उनके पीछे चले जाते हैं। कुछ ही समय में सब एक 7-स्टार रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में बैठे थे और अपने खाने का वेट कर रहे थे। कुछ ही समय में उनके सामने के टेबल पर बेहद ही डिलीशियस खाना होता है, जिसे देखकर वो चारों बिना किसी बात की परवाह की उस पर टूट जाते हैं। उनको ऐसे करते देख अनया और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और न मैसर हिलाकर पाना खाना खाने लगते हैं। रात का डिनर करके वो सब घर जाने के लिए निकलते। आज मायरा भी यूनिम के साथ व्हाइट मेंशन जाने वाली थी। कुछ ही समय में वो सब व्हाइट मेंशन में अपने अपने कमरे में होते हैं। अनाया अपने कमरे में जाके फ्रेश होकर दिलासा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बाहर आती है। इस वक्त उसके हाथ में एक टॉवल था, जिससे वो अपने भीगे बालों को साफ कर रही थी। गर्म पानी से शावर लेने के कारण उसके गाल हल्के हल्के लाल हो चुके थे, जिससे वो बेहद ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वही अयान जो अभी अभी उसके कमरे में आया था, उसकी नजर जब अनाया पर जाती है, जो कि इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसे देखकर अयान के कदम खुद ब खुद उसके तरफ बढ़ते हैं। अयान अयाना के पीछे जाकर उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बालों को सुखाने लगता है। उसको ऐसा करते देख अनया वैसे ही खड़ी होकर सामने की मिरर में दोनों का अक्ष देखने लगती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अयान अनाया के बालों को अच्छे से सुखाकर हेयर ड्रायर साइड में करके उसको पीछे से अपनी बाहों में बरते हुए मिरर में देखता है, तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है। अयान अनाया से आंखों ही आंखों में रजामंदी लेके उसके बालों को एक साइड करके उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है, जिसे महसूस कर अनाया अपनी आंखें कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों की मुट्ठी बंद लेती है। अयान अनाया के शोल्डर पर अपने होंठ फिराने लगता है, साथ में अपने एक हाथ को अनाया के टॉप के अंदर ले जाके उसके पेट को सहलाने लगता है, और दूसरे हाथ से कपड़ों के ऊपर से ही अनाया के ब्रेस्ट को सहला रहा था। जिस अनाया को अपने अंदर अजीब सा एक मीठा सा एहसास हो रहा था, वो खुद को अयान के बाहों में ढीला छोड़ देती है और उसको महसूस करने लगती है। अयान अयाना के शोल्डर से होते हुए उसके कान पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसके रालोब को अपने मुंह में रखकर सक करने लगता है, और साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे अनाया की सिस्कारियां निकल रही थी। बारी अनाया के दोनों कानों को किस और बाइट करने के बाद अयान अनाया का पलट कर उसका चेहरा अपने सामने करके उसके माथे पर किस करता है। गिर उसकी बंद आंखों पर बारी बारी किस करता है, फिर उसके
लाल हो चुके गालों पर किस करके आखिर में अपने होठों को उसके लाल मुलायम होठों पर रख देता है। अयान बेहद ही प्यार से अयाना के होठों को किस कर रहा था, जिसने अयाना भी उसका साथ दे रही थी। अयाना के दोनों हाथ अयान के बालों में चल रहे थे, वही अयान के हाथ इस वक्त अयाना की बॉडी के पर चल रहे थे। दोनों की किस लगभग 30 मिनट तक चली। अयान अपने होठों को अनाया के होठों से हटाकर उसको अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर रूम की लाइट ऑफ करके उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ मारिया अपने कमरे में बेड पर लेटकर इधर से उधर करवट बदल रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती, उसके सामने बार बार किसी का चेहरा आता था, जिससे अब झुंझला गई थी। वो खुद से ही उलझ गई थी। मारिया खुद से ही कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, बार बार उनका चेहरा मेरे सामने क्या आ रहा है। ये जानते हुए भी वो किसी और से प्यार करते हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मारिया तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, कॉलेज टाइम से वो किसी और से प्यार करते थे, तो फिर ये सब क्या, तुम फिर से उनके प्यार में नहीं पड़ सकती हो। इतना कहकर मारिया खुद को इस शख्स दूर रहने को कह रही थी, पर उसे खुद ये नहीं पता था जिससे वो खुद को ही दूर रहने को बोल रही थी। वो अब आने वाले समय में उसके इतने पास आएगा कि वो चाहकर भी उससे अब दूर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अनाया के रूम में अनाया और अयान दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए हुए आराम से सुकून की नींद सो रहे थे। बालकनी से आ रही हल्की सूरज की रोशनी जब अनाया के फेस पर पड़ी तो वो कसमसाने लगी अयान की तरफ। अनाया की पीठ थी, अयान उसे पीछे से अपने बाहों में लिए सो रहा था। अनाया की हलचल से अयान की नींद खुल गई थी। अयाना परेशान होकर खुल गई थी। अयान की तरफ पलटकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। उसे ऐसा करता देख अयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अयान अयाना के बालों को सहलाते हुए कहता है, बच्चा उठी, सुबह हो गई है, सुबह के 7 बजे है, अब और कितनी देर तक सोना है आपको। अयान की बात सुनकर अयाना वैसे ही उसके सीने में अपना सर छुपाए हुए ही उससे कहती है, आयु थोड़ा और सोने दो ना। उसकी बात पर अयान कहता है, बेबी नहीं, थोड़ा और नहीं, चलो जल्दी उठो, सब हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अयान की बात का अयाना पर कोई असर नहीं होता। वो अयान के सीने में छुपाए आराम से सो रही थी। उसको ऐसा देख अयान अपना सर ना में हिला देता है। उसको पता था ये अनाया का रोज का ही ड्रामा था। पहले इस लड़की को नींद ना आने की बीमारी थी और अब देखो, जब वो उसके पास होता था तो वो कैसे कुंभकर्ण की तरफ सोती रहती है, उठने का नाम ही नहीं लेती। अयान अयाना को अपने गोद में उठकर बाथरूम में ले जाता है। अयाना को अपने गोद से नीचे उतारकर एक हाथ से उसे उसकी कमर से पकड़कर शावर ऑन करता है। शावर ऑन करने से पानी अपने ऊपर पड़ने से अनाया की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने खड़े उसकी ही तरफ देख रहे हैंडसम फेस की तरफ अपने फूले हुए गालों से देखती है। अयान को इस वक्त वो बेहद ही प्यारी लग रही थी। वो उसके फूले हुए गालों को बारी बारी चूम लेता है। अयाना जूठा गुस्सा दिखाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से अयान के सीने पर मारने लगती है और कहती है, आयु आप हर बार ऐसा ही करते हैं, आपको पता है कितनी अच्छी नींद आ रही थी और आपने मुझे उठा दिया। उसकी बात पर अयान उसके दोनों हाथों को पकड़कर उनको उसके पीठ पर लगाकर अपने एक हाथ से उसके चेहरे को अपने पास करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बच्चा अब नोट की बस हो गई, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चली जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, 15 मिनट्स में मुझे आप नीचे चाहिए। इतना कहकर वो अयाना के माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। अयाना भी मन मार कर फ्रेश होने लगती है। उसके बाद जल्दी से रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज वॉइस बेहद ही खूबसूरत घुटनों तक आती हुई बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी जो कि उस पर काफी खिल रही थी। बालों को खुला ही छोड़ दिया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वही दूसरी आती मायरा भी अपने रूम में रेडी होकर नीचे जाने का ही रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर
उसको एक रूम के अंदर खींच लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो चिल्लाने ही वाली थी कि जिस शख्स ने उसे खींचा था वो उसके मुंह पर अपने होठों को रख देता है और बेहद ही प्यार से उसके होठों को किस करने लगता है। जिस जगह पर मायरा खड़ी थी वहां पर अंधेरा होने के कारण उसे अपने सामने का शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा खुद को किस कर रहे इंसान को खुद से दूर हटने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे खुद से दूर कर ही नहीं पा रही थी। उस इंसान उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ कर रखे थे और अपने एक हाथ से मायरा के सर को पकड़ हुआ था और उसके होठों को चूम रहा था। मायरा इस वक्त खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। वो एक वेल ट्रेन फाइटर थी, पर उसके सामने मौजूद शख्स को वो खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो उस कई गुना ताकतवर था, पर वो ऐसी ही हार नहीं मान सकती थी। किसी को अपना फायदा उठाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर अपना पैर उस इंसान को मरने ही वाली थी कि वो शख्स उसका पैर को अपने पैर से ब्लॉक कर देता है। उसके होठों से अलग होकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सेडेक्टिव आवाज में कहता है, बेबी ये तुम की करने जा रही हो, हमारे बच्चों के इस दुनिया में आने नहीं देना चाहती क्या। मायरा उस शख्स की गर्म सांस अपने कान के पास महसूस कर सिहर जाती है। उस शख्स की आवाज अपने कान में पड़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी और अभी उस शख्स के कहे गए शब्द सुनकर उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो शख्स मारिया के कान को किस ओर लिख करने लगता है, जिस मारिया को अपने शरीर में कर्चा महसूस होता है। उस शख्स के उसके ईयरलोब पर बाइट करने से वो होश में आती है और उस शख्स को खुद को दूर करते हुए उस कहती है, कुछ आप ये क्या रहे हैं, छोड़िए मुझे, ये गलत है। जी हाँ, मारिया को किस करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि खुश मित्तल ही था। कुछ जो मारिया के गले पर किस कर रहा था, वो मारिया के खुद को दूर करने से और कस के मारिया को अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, क्या गलत है, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। ये कहकर वो उसके गर्दन पर अपने होंठ फिराने लगता है। उसके ऐसे करते ही मारिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही कुछ से कहती है, प्लीज कुछ मत करिए ये सब। उसकी बात का कुछ पर कोई असर नहीं होता। वो मारिया को अपनी गोद में उठाकर उस रूम में मौजूद बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके गले पर किस करने लगता है। उसे ऐसा करता देख मारिया उससे कहती है, कुछ ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे अनु हमारा इंतजार कर रही होगी, हटिए, आप मुझे नीचे जाना है। उसकी बात सुनकर कुश उसकी आंखें में देखते हुए कहता है, मायरा तुमको अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और रही बात प्रिंसेस की तो उसको मैंने तुम्हारे फोन से मैसेज कर दिया है कि तुमको कोई काम आ गया है इसलिए तुम जा रही हो, और रही बात मेरी तो मैं अभी घर में ही नहीं हूँ, तो तुम अब टेंशन मत के और मैं जो कर रहा हूँ इसे करने दो। इतना कहकर अयान मायरा के गालों पर अपने हाथ फिराने लगता है। मायरा उसको अपने से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखती हुई कहती है, कुछ आप किस हक से ये सब कर रहे हो, आप अपने प्यार को दिखा नहीं दे रहे हो, क्या ये गलत है, आप किसी और से प्यार करते हो और आप मेरे से साथ ये सब नहीं कर सकते। इतना कहकर मायरा कुश को धक्का देकर बेड से उठने लगती है कि कुश फुर्ती दिखाकर उसको पकड़कर फिर से अपने नीचे कर उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को बेड के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अपने पैरों से उसके पैरों को ब्लॉक कर लेता है। मायरा पूरी तरीके से कुश के कब्जे में थी। कुश मायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, किस हक से ये सब कर रहा हूँ, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई, किस हक से मैं ये सब कर रहा हूँ। बीबी ही तुम मेरी भूल गई, 1 साल पहले हमारी शादी हो गई है, और रही बात प्यार की तो मैं अपनी बीबी से ही प्यार करता हूँ, अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तुमको तो अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। मायरा शादी की बात सुनकर ही शोक हो जाती है। उसकी शादी हो गई और वो भी कुछ से, उसे इस बात के बारे में पता कैसे न चला। खुद से ही कहती है, क्या कुछ मुझसे मजाक कर रहा है, पर कुछ मजाक क्या करेगा, वो कभी भी ऐसा मजाक नहीं करेगा। और एक मिनट, अभी कुछ ने क्या कहा कि वो अपनी बीबी से प्यार करता है, यानी कि कुछ भी मुझ
से प्यार करता है क्योंकि उसने अभी कहा कि हमारी शादी हो गई है, उसका मतलब मैं ही उसकी बीवी हूँ ना, पर मुझे कैसे याद नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है। वो कुश की तरफ देखती है जो कि उसको ही प्यार से देख रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, कुश हमारी शादी हो गई है, वो भी 1 साल पहले, पर मुझे कैसे याद नहीं कि मेरी आपसे शादी हो गई है। उसकी बात सुनकर कुश उसके दोनों हाथों को छोड़ देता है और अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर रख कर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, तुमको हमारी शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि हमारी शादी होने के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, उस बारे में तो तुमको याद ही होगा ना। कुश की बात पर मारियाह में सिर हिलाती है क्योंकि कुश सही कह रहा था, 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसको एक्सीडेंट से पहले 6 महीनों में उसके साथ क्या हुआ था उस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो वो अपने आंखों में ढेर सारे सवाल लिए कुश की तरफ देखती है। कुश जो उसको ही देख रहा था उसके आंखों के सवाल समझकर आगे कहता है, हमारी शादी के बारे में हमारे दोस्तों को या घर वालों में से किसी को भी कुछ पता नहीं, बस प्रिंसेस को छोड़कर एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि तुमको बता सके कि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने या प्रिंसेस ने तुमको कुछ भी नहीं बताया, पर 2 दिन पहले जब तुम्हारे सारे चेकअप किए गए तब तुम एकदम फिट एंड फाइन हो ये पता चला, और अब मैं अपनी वाइफ से और दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुमको आज ये सब बता रहा हूँ। इतना कहकर कुश मायरा के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों को किस करने लगता है। वही मायरा कुश से और भी कुछ जानना चाहती थी, पर कुश ने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया, उसने उसको होठों को अपने गिरफ्त में कर लिया था। मायरा को कुश के आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी और कुश का टच से उसे कोई बुरा एहसास नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी सब कुछ भूलकर कुश का साथ देने लगती है, जिससे उन दोनों की छोटी सी किस एक लंबी और पैशनेट किस में बदल जाती है। वही दूसरी तरफ इंडिया में आज महेश मेहरा अपना काम कंप्लीट करके इराक से इंडिया वापस आ रहा था। वही आज विक्रम राजावत की बेटी का बर्थडे था, इसलिए राजावत विला को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। आज शाम को विक्रांत राजावत ने अपने बेटी के बर्थडे की बड़ी सी पार्टी होस्ट की थी, जिसमें शहर के बड़े और जाने आमने बिजनेसमैन आने वाले थे। व्हाइट मैंशन डाइनिंग एरिया। इस वक्त मित्तल परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी व्हाइट मैंशन के हॉल में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सब जो नाश्ता कर रहे थे वो नाश्ता छोड़कर हॉल में चले जाते हैं। उस लड़की को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर कोई था जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।